यूपी के प्रयागराज जिले में सपाइयों ने आजमवादी मंच के बैनर तले रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। आजमवादी मंच ने पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता जफरुल हसन की रिपोर्ट। हस्तक्षेप आने वाली नस्लों को यह संदेश देगा कि एक राज्यपाल महोदय ने चाकू के व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली सरकार को कलम की ताकत से यह बता दिया था कि तालीम की अहमियत चाकू से कहीं ज्यादा बुलंद। की तानाशाही फरमान के खिलाफ हम लोगों का एक दिवसीय धरना आज इलाहाबाद प्रयागराज में था, और इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा ज़मीन का जबरन अधिग्रहण करने का कार्य किया है। ये लड़ाई कलम और चिलम की है। आज मोहम्मद आज़म खान साहब बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के हाथ में और तमाम नौजवानों के हाथ में कलम देना चाहते हैं, मगर सरकार नहीं चाहती कि उनके हाथ में कलम जाए। सरकार को पता है कि सरकार क्या चाहती है, और सरकार ने आज तक जितनी यूनिवर्सिटियों को लिया है उन यूनिवर्सिटियों को सही तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। वो यूनिवर्सिटी अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, और सरकार ने 1400 बीघा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का अवैध अतिक्रमण करने का कार्य किया है। इनके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हर हाल में जारी रहेगा। सरकार जब तक अपने काले फरमान को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग आंदोलन निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ सैकड़ों बिरादरान वतन के हिंदू भाई यहाँ मौजूद हैं। इन्हें पता है कि इन्हें चिलम की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कलम की ज़रूरत है, क्योंकि कलम से ही लोगों का मुस्तकबिल तय होगा, और ये मुस्तकबिल आगे चलकर उनके बच्चों का भविष्य डॉक्टर इंजीनियर अधिवक्ता और क्या नाम है पत्रकार साइंटिस्ट के रूप में बनकर दिखाई देगा। मगर सरकार अपने अहंकार के नशे में चूर है, और इस नशे को उतारने का काम हम लोग करेंगे। नौजवान आज रोड पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आ गया है। हम किसी भी कीमत पर सरकार के गलत नीतियों का हर तरीके से विरोध करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर हम हटेंगे नहीं पीछे। मोहम्मद फरहान आजमवादी मंच का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूं।